पंजाब के नांगल के गांव भारी बाढ़ से जूझ रहे हैं। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के मंगलवार को भाखड़ा बांध से लगभग 77,000 क्यूसेक पानी छोड़ने से सतलुज नदी का पानी इन गांवों में भर गया है। गजपुर, शाहपुर बेला, जिंदवाड़ी, गोलनी, भलान और हरिवाल गांवों के लोग बढ़ते जलस्तर के कारण अपने घरों के अंदर फंसे हुए हैं। हिमाचल दे विच बहुत ज़्यादा जिहड़ी बारिश हुई है पिछले काफ़ी सालों के रिकॉर्ड टुटे है। ब्यास कैचमेंट भी हुई है लेकिन सतलुज कैचमेंट वो कंपैरेटिवली घट हुई है जिते कि भाखड़े के पानी आता। हाँ पानी जरूर आया लेकिन साढ़े डैमों ने जो डाउन स्ट्रीम एरिया यह बचाया। अज तक जरा सारा यह पानी स्टोर किया है। काफ़ी हैवी फ्लड आए थे तो हूँ जे हजे भी साढ़े को स्टोरेज मार्जिन है थोड़ा जहा तो असी पानी जो फ्लड आ रहा स्टोर कर रहे हैं। साढ़े पिंड भी बहुत ज़्यादा नुकसान है जी। जी खेती योगी जमीन है सारी बिच पानी पांच फुट पानी घूम रहा है जी। तो घर का बड़ा नुकसान है। इस जो परिवार है ये 6-7 मैंबर तो इसी मुंडे के घर के बिच अंदर उत हो चुके जी। तो उन्होंने कोई संपर्क नहीं हो रहा जी। बहुत नुकसान बहुत ज़्यादा जी सारा जी। ठीक है पानी होर प्रशासन बस यही है प्रशासन को कोई अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी। तो हूँ भी कोई प्रशासनों जोड़े बंदे दरिया सवा फसे हुए है उन्होंने रेस्क्यू करने वास्ते कोई ना कोई जल्दी तो जल्दी इंतजाम करना चाहिए। इलाके में रहने वाले लोगों के मुताबिक कई परिवार अपने घरों में फंसे हुए हैं और उनका संपर्क टूट गया है लेकिन अधिकारियों ने उनकी समस्याओं पर आंखें मूंद ली हैं। अच्छा सर हजा साडे नाल किसी ने कोई गलबात नहीं की हैगी। सब बंदे बेचारे उत्थे साडे फसे हुए वो भाई दा बहुत ज़्यादा पानी है। घर दे दसदे जिहदा सियाणे दसदे बजुर्ग भी जिहड़े आ खेतां च असीं खड़े ना इत्थे पानी नहीं आया उस टाइम भी जिते हुण पानी घूम रहा कि सू कुछ नहीं पता कौन किधर है। सारे ने किसी की मझा रुड़ गई किसी के घर रुड़ गए किसी को खाने लिए दाना पानी भी है नहीं जी। प्रॉपर प्रशासन कोई प्रशासन नहीं है बस ना दे ही है। ठीक है जी सब तो ज़्यादा इतों ही सब कुछ चलता भी वोटा मंगने भी इतने आते पर इतने अज तक कोई नहीं पुजे। सतलुज नदी के किनारे बसे गाँव में NDRF की टीमें तैनात की गई हैं। कई गाँव वाले वहाँ से निकल कर सुरक्षित जगहों पर जाने का इंतजार कर रहे हैं।